नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी पूरी जिंदगी की कहानी इस व्यक्ति के हाथों में लिखी है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि समय रहते आप इसको पहचान लें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यूं कहें तो आपके जीवन काल में आने वाले सभी क्रियाकलापों को आप समझ पाएंगे। इस प्रकार आपको कौन से कार्य को करना है, कौन सी सावधानियां रखनी है, इन सभी की विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये व्यक्ति कौन है आपके जीवन काल पर, जिन पर आप अटूट विश्वास कर सकते हैं, जो कि आपके जीवन का सहारा बन सकता है, आपके आगे पीछे हर जगह आपको मदद करेगा। और दोस्तों, लोग कहेंगे कि वाह क्या नसीब है, अब उम्मीद की किरण नई जगने वाली है। और दोस्तों, आप सभी के जीवन काल के लिए यह एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली साबित होगा। आपके जीवन की कहानी इस व्यक्ति के हाथों में लिखी है, यही व्यक्ति है जो आपको आपके जीवन काल में आगे बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, बिल्कुल भी आज की इस वीडियो को मिस ना करें और दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक इन्हें जरूर देखिएगा। हम आप सभी को ये दावे के साथ बता सकते हैं कि अगर आप आज की इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपको ये बात तो पता चलेगी ही कि कौन से व्यक्ति आपके लिए सही है, जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं और कैसे आपकी जीवन की कहानी इस व्यक्ति के कारण बदल जाएगी। तो दोस्तों, सभी विशेष जानकारी इस वीडियो में है, तो दोस्तों अंत तक देखना आपका दायित्व होगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी भगवान श्री राम के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम लिख दें। भगवान श्री राम का असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे विचार से, बहुत ही अच्छे ज्ञान से, जो कि दोस्तों हमें अपने जीवन काल में याद रखना चाहिए। तो दोस्तों, जाने अनजाने में हम गलतियां करते रहते हैं और वह समय एक अच्छी बात हमारे जीवन काल में कई प्रकार के अच्छे गुण भर देती है। तो दोस्तों, इन बातों को आप बहुत ही ज्यादा गौर से सुने कि दोस्तों, ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय तीन विशेष रचना की। पहला, अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वह अपना लोग इनका सोने और चांदी की तरह संग्रह करते। दूसरा, मृत्यु के बाद शरीर में दुर्गंध उत्पन्न कर दी, वरना कोई अपने प्यारों को कभी भी जलाता या फिर दफन नहीं करता। और दोस्तों, तीसरा, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट या फिर अनहोनी के साथ रोना और समय के साथ भुला दिया, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रहता, कभी भी आशा और प्रशंसा जीने की इच्छा नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आपको ये बातें सच्ची लगी हो, ये बातों को आप समझ पाए हैं, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं कि कौन सा व्यक्ति है जिसके हाथों में आपकी पूरी जिंदगी की कहानी लिखी है और जिसके आने पर आपकी किस्मत बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले दोस्तों जानते हैं कि कौन से लोग हैं जिनके ऊपर आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं करना है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों, जाने अनजाने में अगर आप इन व्यक्तियों पर भरोसा करते हैं तो दोस्तों ये अपने साथ साथ आपको भी ले डूबेंगे। तो दोस्तों, ये कौन सा व्यक्ति है, हम आपको बता दें कि जिस तरह सोने को रगड़कर, काटकर, आग में तपाकर, पीटकर परखा जाता है, उसी तरह किसी इंसान पर भरोसा करने से पहले हमें चार बातें ध्यान रखनी चाहिए। हम आप सभी को बता दें कि किसी पर भरोसा करने से पहले उस पर त्याग की भावना को देख लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ऐसा माना गया है कि जिन लोगों में त्याग की भावना नहीं होती है, वे लोग कभी अच्छे इंसान नहीं बन पाते। यानी कि दोस्तों, अगर आपके जीवन काल में कोई भी व्यक्ति है जिनको आप लगातार मदद करते आ रहे हैं और दोस्तों उनकी तरफ से आपको कोई भी सहायता अभी तक नहीं मिली है, तो दोस्तों इस बात से ये पता चलता है कि दोस्तों उनके अंदर त्याग की भावना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपसे लाभ ले रहा है और वो बिल्कुल भी अपना लाभ आपको नहीं दे रहा, बिल्कुल भी त्याग नहीं कर रहा। तो दोस्तों, इस व्यक्ति से आपको बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सिर्फ आपसे काम निकलवाएंगे और काम निकलने के बाद पीठ दिखाकर आगे चल देंगे, परंतु दोस्तों जब आप पर संकट आया तब दोस्तों सब भाग गए। दोस्तों, आपको अपनी मुसीबतों का सामना अकेले ही करना पड़ा। इसलिए दोस्तों, आप इन सभी बातों को गांठ बांध कर रख लीजिए कि दोस्तों बिना किसी को सोचे, बिना किसी को समझे उनके ऊपर भरोसा और उनकी मदद बिल्कुल भी ना करें। आज से ही आप इनको करना बंद कर दें, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। अगर दोस्तों आप गलती करते रहेंगे तो दोस्तों आपका दुख आपको ही मिलेगा, किसी और इंसान को नहीं मिलेगा।
आपको अपना दुख स्वयं ही झेलना पड़ेगा, किसी और को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दोस्तों आज से आप अपने की सोचें। और दोस्तों आपकी दूसरी गलती होती है कि दोस्तों जिस भी व्यक्ति से मुलाकात करते हैं आप जीवन से जुड़े सबसे बड़े महत्वपूर्ण बातों को शेयर कर देते हैं। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जिस भी इंसान से आप मिले, चाहे आपसे बार बार मिला हो या फिर बहुत सालों के बाद एक बार मिले हो, लेकिन दोस्तों आप उनकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए आप अपने जीवन से जुड़ी कुछ भी महत्वपूर्ण बातों को बिल्कुल भी शेयर ना करें। क्योंकि दोस्तों ऐसे ही लोग होते हैं जो एक दिन ही भले आपसे मिलते हैं लेकिन दोस्तों आपकी सभी बातों को जान लेते हैं और फिर आपके ऊपर संकटों का व्यवसाय वो ऐसा जाल बिछाते हैं कि आप उनमें फंसते चले जाते हैं। और तीसरी गलती आपकी जीवन में ये है कि दोस्तों धन के मामले में किसी पर हंसते ज़्यादा भरोसा ना करें, क्योंकि दोस्तों वर्तमान समय में पैसा ही सब कुछ है। बात कड़वी है लेकिन दोस्तों इस बात पर सच्चाई भी है। आपको बता दें कि आज के दौर में पैसों को लेकर किसी का भी नियत बिगड़ सकती है। आइए ग्रहों की जो स्थिति है वो अब बता रहे हैं। आज रात 12 बजे से आपके ऊपर कुछ लोग तांत्रिक क्रियाएं करने वाले हैं। यूं कहें तो दोस्तों अपने बातों के जाल में आपको फंसाने वाले हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है। जो लोग आपके जीवन काल में आपकी पहचान में हैं उनसे आप दूर रहें। जो भी लोग आपसे ऐसी बातों में फंसाना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति की आप पहचान करें और ढूंढ ढूंढ कर उनसे अपना संबंध तोड़ दें और उनसे बात करना भी आप बंद कर दें। इसलिए दोस्तों आपकी जो मुसीबतें हैं दिन प्रतिदिन घटती जाएंगी, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने जीवन काल में इन्हें रहने देंगे तो दिन प्रतिदिन आपकी जो मुसीबतें हैं उनमें वृद्धि होती जाएगी और आपको इसकी भनक तक नहीं लगेगी, क्योंकि आप इन्हें सच्चे मित्र मानते हैं। आप ऐसे दुश्मनों से पीछा छुड़ा लीजिए। विशेष रूप से अपने व्यक्तित्व को निखारने पर ध्यान देंगे तथा कोई भी विशेष कार्य करने से पहले उससे संबंधित पूर्ण जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी मान हानि की स्थिति बन सकती है या आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। जल्दबाजी में किसी से भी कोई वादा ना करें, पहले अपने सामर्थ्य का ध्यान रखें। और हाँ दोस्तों, व्यवसाय में काम की क्वालिटी में सुधार होने की वजह से आपको अच्छे ऑन ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं। कला, ग्लैमर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आदि से जुड़े हुए व्यवसाय में मुनाफा होगा। नौकरी में भी ऑफिशियल यात्रा के कारण निजी काम अधूरा रह सकते हैं। दोस्तों शनिदेव की भी कृपा आपको मिलेगी ही मिलेगी। यकीन मानिए कि अब आप लोग को अपना कार्य शांति पूर्व तरीके से करना है। जिंदगी में उलझने तो आएंगी लेकिन उलझनों के तहत दबना नहीं है, उन उलझनों के तहत आपको परेशान नहीं होना है। दोस्तों उलझने आपको परेशान भी कर सकती है, इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप सावधानी से सुनिएगा हमारी इस जानकारी को। दोस्तों इन सभी अवसरों को आप अपने हाथों से बिल्कुल भी ना जाने दें, उत्तम से उत्तम लाभ उठाने का प्रयास करें। दोस्तों इस समय आपको अपने करियर में विकास करने के लिए आपको आपके कौशल में वृद्धि के साथ साथ कई मेहनत करनी पड़ेगी, अन्यथा आप किसी भी कार्य को समय पर पूरा नहीं कर सकेंगे। इसका सीधा असर आपके करियर पर पड़ सकता है और साथ ही आप निर्णय लेने में भी कुछ परेशानी महसूस कर सकते हैं। इस समय दोस्तों ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ाई करना आपके मानसिक तनाव में वृद्धि और बेचैनी का मुख्य केंद्र बन सकता है। दोस्तों समय समय पर अन्य खेलकूद जैसी गतिविधियों को अपनाकर आप खुद को कई मानसिक रोगों से बचा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आप लोगों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। दोस्तों इसी के साथ ही गलतफहमी आप प्रिय हालात खड़े कर सकती है। किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले संतुलित नजरिए से दोनों पक्षों को जांचना आवश्यक है। जो लोग दुग्ध उद्योग से जुड़े हैं उन्हें आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावना है। एक बेहतरीन चार्म के लिए रिश्तेदार दोस्त खर आ सकते हैं। दोस्तों खुश मिजाज रहें, प्यार की राह में बाधाओं का सामना करने के लिए कुछ तैयार रहें। जो काम आप कर चुके हैं उसके चलते आज आपको पहचान मिल सकती है। उन लोगों से मेलजोल बढ़ाने से बचें जिनके साथ आपका वक्त खराब होता है। किसी खूबसूरत याद के कारण आपके और आपके जीवन साथी के बीच की अनबन कुछ रुक सकती है, इसीलिए दोस्तों वाद विवाद की हालत में पुराने दिनों की यादों को ताज़ा करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ इस बात को आप इस समय बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे कि यदि आप योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आपकी कई स्वास्थ्य समस्याएँ दूर हो सकती हैं।
क्योंकि यह समय सेहत के लिहाज से आप लोगों के लिए आत्मचिंतन करने के लिए कई सारे अवसर दे सकता है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति के 12वें घर में स्थित होने के परिणाम स्वरूप संभव है कि आपका कोई जानने वाला या करीबी व्यक्ति कोई बड़ी योजनाओं या फिर विचारों के जरिए आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। ऐसे में दोस्तों, आपके लिए सबसे बेहतर यही है कि आप किसी भी तरह का निवेश करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में भली भांति जांच पड़ताल अवश्य से कर लें। कोई खास व्यक्ति जिसके साथ आप भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं, वह इस समय आपके लापरवाह और अनिश्चित बर्ताव की वजह से आपसे कुछ चिढ़ सकता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी भी लिखिएगा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।